द सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार इस समय मौजूद हूँ सिरसा जिले के गांव चकराइयां में। ये चकराइयां नानकपुर डाणे कृपाल सिंह, ये आसपास के गांव है जहाँ पे सब्जी की खेती होती है। और यहाँ पे जो मजदूर हैं जो सब्जी की खेती करते हैं, या मजदूर ना कह करके माली कहूँगा, राजेंद्र शेर सिंह, जगदीश और मेहर सिंह, ये चार लोग हैं। वैसे तो अलग अलग कई समूह है जहाँ पे ये लोग सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन इनका भी एक समूह है और 3 महीने के लिए ये सब्जी की खेती करते हैं। और इस बार लॉकडाउन के चलते इनको नुकसान होगा। वैसे तो रोड किनारे सब्जी बेचने का काम ये करते हैं, और इन रोड के साथ ही साथ लगती जो ज़मीन है वहाँ से इनकी सब्जी है वो बोते हैं। 3 महीने के लिए ये ज़मींदार से ज़मीन ठेके पे लेते हैं, और 3 महीने में ही जैसे करेला है, घिया है, तर है, टिंडा है, हरी मिर्च है, भिंडी है और ककड़ी है, ऐसी जो खेती है वो ये करते हैं। और 23,000 रुपये ठेके पे ये ज़मीन लेकर के 3 महीने के लिए ज़मीन लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते सब्ज़ी मंडी में इनकी एंट्री नहीं हो पा रही है, पास इनके पास नहीं है, जिसको लेकर के इनको बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इस बार इनका जो पैसा है, जितना ठेका है उतना ही पैसा उनको लग जाएगा। और क्योंकि एक पहलू ये भी है, वैसे तो ताज़ी सब्ज़ी खाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन इन गाँव में ये सब्ज़ी जो तैयार होती है, पैदा होती है, वो बिल्कुल ताज़ी है, क्योंकि खेत से ही सीधा जो है अनाज मंडी सब्ज़ी मंडी में जाती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते इनको नुकसान होगा। 4 समूह है इन मालियों के, या सब्ज़ी किसान हैं जो ये, लेकिन इस तरह से इन किसानों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि लॉकडाउन का पहलू एक ये भी है कि सब्ज़ी की खेती करने वाले इन किसानों को क्योंकि नुकसान होगा, इस बार ये सब्ज़ी मंडी में नहीं जा पा रहे हैं। और जिस तरह से पास के साथ ही सब्ज़ी मंडी में एंट्री दी जाती है तो उनको नुकसान भी होता है। अब रोड किनारे इनकी सब्ज़ी बिकेगी तो ही इनके घर का जो चूल्हा है वो जलेगा, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते इनको नुकसान है वो हो रहा है। जगदीश नाम है जी, 24,000 किला दे रखा सब्जी ठेके, तो मंडी जाने मंडी कोई वड़ नहीं दिता, उत्थे खराब हो जाती, इतने फिर खराब हो जाते, अभी तो बड़े में पूरे गरीब बंदे मार गए जगह ही। नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान हो जी, ठेका हूँ कितों पूरा हो जाए, इन्हें तो मंडी जान देंदे पे, तो इतने हूँ किन्ना बेचे शाम पर खावा ढेर ला गया, उत्थे भरा छट्टे पे। हाँ जी, सब्जी बहुत नुकसान है बाबू जी। तो क्या क्या सब्जी की खेती करते हैं? सब्जी जी ककड़ी है, वंगा है, तोरी है, कद्दू है, टमाटर है, भिंडी है, सब्जी रल मिल के सारा 13-14 आइटमां बीज रखी जी। हाँ जी, ऐस फिर लिया उन्होंने 24,000 लेने, कह के लिया भी अभी 24,000 लेंगे, तो साढ़े असी बीजना था जरूरी, तो टाइम पर बच्चे छोटे छोटे पालेंगे, तो सास सुथर, इस करी वो काम नहीं चलिया चलिया जमा नहीं चलिया, हूँ असी जमा ही गरीब हो बने, हम ठेका पूरा करना औखा होगा सानू, तो नुकसान है। सब्जी मंडी नहीं जान देते पे जी, उत्थे 100-100 गल होंगी, कोई अफसर आ गया, कोई कहें भी कोई पुलिस वाले वड़न देते, मंडी चले भी जाने फिर उत्थे सारा दिन रात दे 3-3 बजे तक जाने, अभी कि दुकान से जाना, कदे कोई किवें कह दिता कि कितने जाना, फलाना लिखा के लियाओ, कदे कदे नंबरदार का लिखा होंगे वह नहीं मनते, तो कदे कहना भी अपने सरपंच वाले वह लिखा के लियाओ, कदे वह नहीं मनते, हूँ कह रखा भी अपने पास लियाओ अपने वीडियो दफ्तर जाके, हूँ उत्थे वीडियो दफ्तर सब्जी तोड़िए जाओ, तो वीडियो दफ्तर जाके मिलने का टाइम ही कौन लगता है, इन्ना सानू ना जाइए ना सब्जी तोड़िए ना, तो सब्जी खराब हो सकती साड़ी, इसलिए सानू टाइम नहीं है जाने का वीडियो दफ्तर, तो इसलिए कोई तो कोई मसला लाना चाहिए। 3 महीने की खेती और 3 महीने का लॉकडाउन इन सब्जी वालों पे भारी पड़ रहा है। सब्जी बेचने वाले, सब्जी की खेती करने वाले इन किसानों का कहना है कि अगर वो एक दिन ही सब्जी की तुड़वाई ना करे तो उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन सरकार ने इस बार लॉकडाउन के चलते न उनको अनाज मंडी में सब्जी मंडी में घुसने देते हैं, तो कोई कहता है कि पास बनवा कर लाएँ, शहर के लोगों के पास मार्केट कमेटी बना रही है, तो ग्रामीणांचल के लोगों के पास
BDPO ऑफिस बना रहा है, लेकिन इन दोनों के फेर में फंसे हुए सब्जी बेचने वाले आखिर काफ़ी परेशान हैं। इनका कहना है कि इस बार इनके 3 महीने की जो खेती जो उन्होंने ठेके पर ली थी उसका ठेका भी पूरा नहीं होगा। बच्चों का पेट पालना तो बहुत दूर की बात है। लगातार हमारे रास्ता बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कराना बोले। बहुत बहुत शुक्रिया।